एक बार क्या होता है, एक गार्डन, एक रहता है मतलब एक मालिक रहता है जो कि कैसा रहता है बहुत ही आलसी इंसान रहता है ठीक है जब तक उसका मालिक है ना गार्डनर का जब तक के वो मतलब की गार्डन में रहता था तब तक के वो बहुत कठिन परिश्रम करता था ठीक है मेहनत करता था है ना तो उसके मालिक को लगता था कि ये तो बहुत ज्यादा परिश्रम ही है ठीक है लेकिन जैसे ही वो मालिक उसके ऑफिस जाता था वैसे ही गार्डनर क्या करता था एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था और सो जाता था है ना? मतलब बगीचे में जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे क्या हो गए थे डाइड हो गए थे सूख गए थे ठीक है मुरझा गए थे क्यों क्योंकि वो उनको पानी ही नहीं देता था है ना? तो ये जब उसके मालिक ने देखा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ ठीक है हाउ कैन आई मेक िस लेजी मैन डू सम वर्क सेट द हिज मास्टर तो उसके मालिक ने कहा कि ये जो एक आलसी इंसान है इससे मैं कुछ काम कैसे करवा सकता हूँ या कैसे करवाऊं है ना एक दिन क्या हुआ एक ओल्ड वुमन थी जिसका नाम जिनको क्या कहते थे सब लोग मुन्नी अम्मा ठीक है मुन्नी अम्मा गार्डन में आई ठीक है वो बहुत ज्यादा चतुर वुमन थी मतलब बहुत ज्यादा चतुर आ, महिला थी एंड कुछ वंडरफुल थिंग्स भी वो जानती थी या किया करती थी ठीक है वन डे अ मिल्क फेल इल मुन्नी अम्मा सम अस काम्मा टू इट्स ईयर एंड द काउ गॉट बेटर एक दिन क्या हुआ कि एक मिल्क मैन था उसकी गाय जो थी वो बीमार हो गई तो मुन्नी अम्मा ने क्या किया कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स कुछ चमत्कारी या कुछ अजीब से शब्द उसके कान में कहे ठीक है किसके गाय के कान में है ना तो गाय थोड़ी देर में ठीक हो गई ठीक है फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि एक फिशरमैन ना मछुआरा जिसको कहते हैं उसके उससे मतलब एक भी मछली नहीं पकड़ पा रही थी ठीक है तो मुन्नी अम्मा ने क्या किया उसको अपनी नेट दी ठीक है उसके मतलब कि मुन्नी अम्मा ने उसकी जो नेट थी वो अपने हाथों में पकड़ी ठीक है ठीक है तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो नेट थी वो पूरी मछलियों से भरा गई है ना आई विल मैक द लेजी गार्डनर वर्क हार्डर शी सेट तो मुन्नी अम्मा ने जब इस गार्डनर को देखा तो उसने कहा कि आ, मुझे इस गार्डनर को मतलब कठिन परिश्रमी बनाना होगा ठीक है या मैं इसको कठिन परिश्रमी बनाऊंगी है ना तो उसने क्या किया उस गार्डनर से पूछा मुन्नी अम्मा ने डू यू वॉन्ट टू बी अ रिच मैन क्या तुम एक अमीर इंसान बनना चाहते हो द गार्डनर थॉट इट वॉज अ वंडरफुल आइडिया तो गार्डनर ने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ठीक है कि मैं अमीर बन जाऊं है ना तो अगर मैं अमीर बन जाऊंगा तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा ठीक है और उसको मतलब ये वाला आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि वो वर्क करना ही नहीं चाहता था उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो उसने मुन्नी अम्मा को बोला यस प्लीज ठीक है आई वुड लाइक टू बी रिच मतलब मैं अमीर बनना चाहता हूँ द ओल्ड वुमन गैव हिम अ स्मॉल ब्लैक सीट टैक दिस सीट शी सेट एंड पुट इट इन द ग्राउंड इट विल ग्रो वेरी क्विकली एंड मेक यू रिच मुन्नी अम्मा ने क्या किया कि एक छोटा सा ब्लैक सीट मतलब एक काला बीज ठीक है छोटा काला बीज किसको दिया उस गार्डनर को दिया और उससे कहा तुम ये बीज लो और इसको ग्राउंड में मतलब कि गड़ा दो ठीक है तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी मतलब बढ़ेगा ठीक है इसका जो पौधा बनेगा वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा और तुम रिच हो जाओगे अमीर बन जाओगे द गार्डनर पुट सीड इन हिज मास्टर्स गार्डन ने क्या किया उस बीज को अपना जो मालिक था उसका जो मालिक था उसके गार्डन में गड़ा दिया ठीक है और वो उसमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल उसमें पानी देता था उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करा की ठीक है उसने अगली सुबह क्या हुआ कि वो मतलब की उसको देखने के लिए आया गार्डन में तो वो जो सीट था वो टू फिट टॉल हो चुका था मतलब दो फीट लंबा हो चुका था ठीक पेड़ पौधा बन गया था ठीक है और उसके टॉप पर वो जो प्लांट था वो जो पौधा था उसके टॉप पर क्या था एक प्रिटी रेड फ्लावर लगा हुआ था ठीक है बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का फूल खिला हुआ था उस प्लांट में है ना तो जैसे ही गार्डनर ने उस फ्लार को देखा तो बहुत खुश हो गया दिस इज वंडरफुल उसने कहा ये तो वंडरफुल है 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 ना बट हाउ विल इट मी रिच रिच लेकिन ये मुझे कैसे रिच बनाएगा हो सकता है कि मैं इसको तोड़ू और मुझे इसको मार्केट में बेचना चाहिए अगर मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो मैं हो सकता है कि मैं रिच बन जाऊं ठीक है ही पुट आउट हिज हैंड टू द फ्लावर उसने क्या किया अपना हाथ आगे बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए वैसे ही किसी के बोलने की उसने आवाज सुनी ठीक है या किसी की आवाज सुनी है ना प्लीज डोंट प्लक मी तो किसी ने कहा कि मुझे प्लीज मत तोड़ो मतलब उस फ्लावर ने बोला द गार्डनर लुक एट द फ्लावर एंड ही वेरी स्मॉल गार्डनर ने उस फ्लावर की तरफ देखा और उसमें फ्लावर को देखा और उसमें देखा कि उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा आदमी बैठा हुआ है ठीक है वो जो मैन था मतलब वो छोटा सा आदमी था उसने हेड से लेकर टो तो तक टो तो मींस पैर की उंगलियों को क्या बोलते हैं टो तो, ठीक है अंगूठा है ना वहां तक के पूरे रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे फूल में जो आदमी बैठा था ना उसने है ना यहाँ तक कि उसकी जो नाक थी वो भी रेड कलर की थी और वो गार्डनर का जो अंगूठा था उसके बराबर का था वो आदमी है ना अंगूठे बराबर का द लिटिल रेड मैन जम्प आउट ऑफ द फ्लावर एंड सैड लिटिल रेड मैन उस फ्लावर से बाहर कूदा और उसने कहा कम कम ऑन ऑन यू हैव वर्क टू डू हरी हरी जो रेड मैन था लिटिल रेड मैन उसने गार्डनर को बोला कि कम ऑन कम ऑन मतलब आओ आओ हम तुम्हारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए जल्दी जल्दी करो है ना ही हीट द गार्डनर वर्क वेरी हार्ड एट टेन ओ क्लॉक ऑल द फ्लावर्स वर वॉटर बट स्टिल द गार्डनर हैड टू वर्क उसने गार्डनर से बहुत सारा काम करवाया ठीक है बहुत मेहनत करवाई और दस बजे तक के सारे फ्लावर्स में पानी उसने डलवा दिया ठीक है गार्डनर के पास अभी भी बहुत सारा काम था तो लिटिल रेडमैन ने उसको कमांड दिया ठीक है एंड उसको मतलब कि जो मैजिकल पावर मतलब कि लिटिल रेडमैन जो उसको कमांड दे रहा था उसमें मैजिकल पावर था ठीक है वो जैसा बोल रहा था वैसा वो करता जा रहा था वो मना नहीं कर पा रहा था कौन गार्डनर ठीक है 11 बजे तक के मतलब उसने काम किया ग्यारह बजे उसको बहुत तेज प्यास लगने लगी किसको गार्डनर को है ना उसने वो पानी पीना चाहता था लेकिन अभी भी उसको बहुत सारा काम करना था ठीक है और फिर एक बजे तक क्या हुआ लिटिल रेड मैन एक बजे मतलब लिटिल लिटिल रेडमैन ने उससे कहा कि अब तुम लंच कर लो तुम्हारे लंच का टाइम हो चुका है ठीक है और तीन बजे से तुमको वापस काम करना है, है ना? थ्री ओ क्लॉक फाइव ओ क्लॉक उसने बोला तीन बजे से काम करना है मैं तो पांच बजे तक हमेशा सोता हूँ ठीक है ऐसा उसने बोला तो लिटिल रेडमैन ने बोला आज नहीं सोओगे ठीक है तुम्हारे पास बहुत सारा काम है करने का तो गार्डनर ने उससे कहा कि मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता ठीक है मुझे तो सोना है है ना ऐसा उसने बोला तीन बजे लिटिल रेडमैन ने उसको वापस से उठाया और वापस से काम कराने लगा वापस से गया उसके पास कम ऑन कम ऑन हरी 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 ठीक है कि तुमको बहुत सारा काम करना है जल्दी करो जल्दी करो ठीक है द गार्डनर्स मास्टर कैम्प एट सिक्स ओ क्लॉक द गार्डन लुकड नाइस एंड टाइडी गार्डनर का जो मास्टर था वो छह बजे आया ऑफिस से उसने गार्डन को देखा तो गार्डन जो था वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था बहुत ज्यादा खुश हुआ ठीक है नाइट में जो गार्डनर था वो हैप्पी हैप्पी सो गया ठीक है खुश होकर सो गया नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप एट सेवन ओ क्लॉक नेक्स्ट मॉर्निंग जो गार्डनर था वो सात बजे उठा लिटिल रेड मैन जो थाना उसने उसको ज्यादा सोने नहीं दिया है ना फिर वापस से उससे काम कराने लगा द गार्डनर वॉज एंग्री हाउ कैन अकमी रिच ही सैड गार्डनर जो था उसको बहुत गुस्सा आ रही थी उसने बोला एक बीज मुझे कैसे अमीर बना सकता है ठीक है ये तो मेरे से बहुत ज्यादा काम करवा रहा है मैं तो दुबला हो जाऊंगा मैं मर जाऊंगा इतना काम करूंगा तो ऐसा उसको लगने लगा लेकिन उस दिन अगले दिन उसके पास ज्यादा कुछ काम था ही नहीं क्योंकि एक दिन पहले उसने बहुत सारा काम कर लिया था ठीक है तो गार्डनर अपने वर्क करने में मतलब अपने काम में मजा ले रहा था या मजे से अपना काम कर रहा था ठीक है बहुत ज्यादा खुश होकर ठीक है फिर क्या हुआ कि आ, मतलब वो आराम करना भी भूल गया कौन गार्डनर है ना फिर मतलब ने उसको कहा रेस्ट करने का तो वो उसने दो बजे से मतलब रेस्ट किया और बजे वापस से अपने काम में लग गया द गार्डनर वेरी गार्डन है ना लुकड वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरी वन कम टू लुक एट इट गार्डन बहुत सुंदर हो गया और हर एक व्यक्ति वहां पर उसको देखने के लिए आने लगा है ना गार्डनर भी बहुत ज्यादा खुश हो गया ठीक है द महाराज हेर्ड हर्ड ऑफ हिम एंड ही वॉज कॉल्ड टू द दरबार महाराज ने सुनी ये बात कि माँ का गार्डन बहुत सुंदर है वो गार्डनर बहुत ज़्यादा मेहनती है ठीक है तो उस गार्डनर को महाराज ने अपने दरबार में बुलाया ठीक है और उसको हेड गार्डनर बना दिया ठीक है किसको जो लेजी गार्डनर जो था ना उसको है ना जल्दी वो बहुत ज़्यादा आ, अमीर बन गया मुन्नी अम्मा के जो शब्द थे वो सही हो गए एंड लिटिल रेड जो था वो उसको कभी भी वापस अगली बार दिखाई नहीं दिया ठीक है एंड गार्डनर गार्डनर जो था वो अभी भी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी था और उसको हार्डवर्क करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता था ठीक है इसलिए हमको भी आलसी नहीं बनना चाहिए और हमेशा अपने कार्य में मतलब कि मेहनत ही होना चाहिए हमको आ, हमारा जो काम है वो पूरे मन से करना चाहिए ठीक है ईमानदारी से करना चाहिए इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे थैंक यू